विदाई। हाय लंबी जुदाई, ओठों पे आई चार दिन की। फिल्म की धुन पूरी नहीं आती है, लेकिन जितनी भी जो भी कीर्तन में धुन थोड़ी अनिवार्य है, ज्यादा नहीं। नहीं नहीं गा रहे चार दिन की मेरी जान जुदाई, हाय लंबी जुदाई। लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। प्रसंग शुरू होता है, बहती सियामा कहती सियामा, मन में विकल हो मैं भी जन्म लूं कोई ऐसी पहल हो, मेरी समस्या का यही एक हल हो, जनक जी के हाथों में सोने का हल हो। जब जन्म लू जब जन्म जनक जी के हाथों में सोने का हल हो। कहती है मां प्रभु के लिए सीता, प्रभु के लिए बाए खड़ी प्रतीक्षा कर रहे मां प्रभु तरस पाने, प्रभु तरस पाने। ये सीता के नैना लगी मन में छड़ी है, कब आए खड़ी। यहां भगवान के लिए मां सीता गड़ी हुई है, यह हमें प्रभु के दर्शन कब हो जल्द से जल्द। श्रोता बंधु सभी ध्यान देंगे, गड़ी हुई है मां जानकी। यहां दूसरा प्रसंग आता है, मेरे पतन का है
अहिल्या जी का प्रसंग आता है। मेरे पतन का क्या चला सिलसिला है, दोष है किसी का मुझे मिलाए सिला है। इंद्र का, उस इंद्र का दोष है लेकिन मुझे शराब दी गई। मेरे पतन का क्या चला सिलसिला है, दोष है किसी का मुझे मिलाए सिला है। भ्रम में पति पत्नी का, भ्रम में पति पत्नी का हुआ फासला है। साप से मेरा तन बन गया सिला है। श्राप के कारण आज हम पत्थर बन के पड़े हैं। और यहाँ राम के लिए अहिल्या, राम के लिए अहिल्या कब से पड़ी है। वहां मां जानकी गड़ी हुई है, यहाँ अहिल्या पड़ी हुई है। राम के लिए अहिल्या कब से पड़ी है, कब आए खड़ी है प्रभु दर्श पाने। ये सीता के नैना लगी, यहाँ है क्या पहले सीता माँ। प्रभु दर्श पाने अहिल्या के नैना लगी, मन में छड़ी है कब आए खड़ी है। प्रसंग आता है, आप सभी गुणी ज्ञानवान सभी महान भाव विराजमान हैं, सभी के समक्ष आप लोग स्वयं समझ जाएंगे। अब ना तनक जीने की, यहां अब ना तनक जीने की इच्छा करूं मैं, लेकिन करूं क्या प्रतीक्षा करूं मैं। पाप पुण्य और सुख दुख की समीक्षा करूं मैं, भक्ति में कितनी शक्ति परीक्षा करूं मैं। मां सबरी ने सोचा कि भक्ति में कितनी शक्ति है, मैं केवल परीक्षा करूंगी, प्रतीक्षा करूंगी, भगवान एक न एक दिन हमारे दरवाजे जरूर आएंगे। राम के लिए ये सबरी, राम के लिए ये सबरी कब से अड़ी है। यहाँ माता सबरी जिद पर अड़ी है कि जब तक प्रभु नहीं आएंगे मैं प्रतीक्षा करूंगी। शब्द ऊपर जरूर ध्यान देना, सर्वप्रथम माता जानकी गड़ी हुई हैं और अहिल्या जी पड़ी हुई हैं। यहां मां सबरी अड़ी हुई हैं। राम के लिए ये सबरी कब से अड़ी है, कब आए खड़ी है प्रभु दर्श पाने। सबरी के नैना लगी, मन में छड़ी है कब आए खड़ी।
एक माँ और प्रतीक्षा कर रही हैं, आप सभी जानते हैं। उस लाइन पे आप तालियां जरूर बजाएंगे, ऐसा विश्वास है, सभी समझ जाएंगे कहाँ का प्रसंग है। किसे क्या सुनाऊं, किसे क्या सुनाऊं, क्या समस्या मेरी है, समस्या के खातिर ही ये तपस्या मेरी है, केवल भगवान राम के लिए, राम को परवानी में केवल इतनी इच्छा है कि भगवान बन को गए थे तो हमसे बोल कर गए थे कि अगर लौट के हमको पहचान लेंगे आप तो मैं शादी करूंगा, लेकिन त्रिकुटा ने नहीं पहचान पाया, जो कि त्रिकुटा थी उन्होंने नहीं पहचाना। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी, तालियां बजाने वाले नहीं हैं क्या? भगवान के नाम में तो बजाते चलें कम से कम। हम भी अपने ललितपुर जाएंगे तो कभी कहेंगे कि हाँ कहीं कार्यक्रम करके आए, बहुत अच्छे श्रोता मिले। राम को परवानी विवशता मेरी है, राम प्राणनाथ है आवश्यकता मेरी है, यही आवश्यकता है मेरी कि राम मेरे प्राणनाथ हो, लेकिन नहीं पहचाना। राम के लिए त्रिपुटा, राम के लिए माँ वैष्णो देवी आज भी खड़ी हुई हैं भगवान राम की प्रतीक्षा में कि भगवान का कल की अवतार होगा और हमसे विवाह करेंगे। आज ही हम राम दर्शन करने जाते हैं, बिल्कुल त्रिपुटा जो नाम था वही वैष्णो देवी के नाम से विख्यात हैं, हम सभी दर्शन के लिए जाते हैं, तो वो भी आज खड़ी हैं। राम के लिए त्रिपुटा आज भी खड़ी है, कब आए खड़ी है प्रभु दर्श पाने, त्रिकुटा के नैना लगी मनु में छड़ी है, कब आए खड़ी है। सीता के नैना लगी मन में छड़ी है, कब आए घड़ी है प्रभु दर्श पाने, सीता के नैना लगी मन में छड़ी है, कब आए घड़ी। प्रभु दर्श पाने मन में छड़ी है, जोरदार तालियां बजाते हैं।